वेलकम डू स्टूडेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है। रविवार और सोमवार नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक। सोमवार और रविवार और सोमवार दो दिन आपको नंबर सिस्टम क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। टोटल आपको पूछा गया क्वेश्चन है, टोटल पूछा गया क्वेश्चन आपको शुरू से लेकर बेसिक से हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए, जोड़ रहे, घटा रहे, गुणनफल रहे, तो देखिए कैसे आप इकाई एक निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक है इकाई अंक, चार है इकाई अंक, तो दोनों जोड़ लीजिए, एक प्लस चार बराबर पाँच, तो इकाई अंक निकल गया। उसके बाद देखिए इतना इतना दिया हुआ है, इकाई अंक बोला है निकालने के लिए, तो कैसे कीजिएगा। दो है इकाई अंक प्लस नाइन है, दोनों जोड़िए, ग्यारह आया। इसमें ग्यारह आया तो इकाई अंक कौन हुआ, एक हुआ। इकाई अंक कितना हुआ, एक हुआ इकाई अंक, समझ गए। चलिए आगे देखिए, इतना दिया हुआ, ऐसा कहा गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा, इतना इतना दिया हुआ संख्या, इसका कहता है गुणनफल का इकाई अंक, तो गुणनफल का इकाई अंक कौन है, तीन है। उसके बाद गुणा लीजिए, इसका इकाई सात है, अब इसको गुणा कीजिए इक्कीस, इसका इकाई अंक कितना आया, एक आया, इसका इकाई अंक एक आया, इसीलिए। चलिए आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन, इकाई अंक यूनिट डिजिट, तो जैसे 58,759 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। इकाई का अंक मतलब होता है किधर से शुरू होता है इकाई अंक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, इकाई होता है इकाई इधर से शुरू, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, तो इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक नाइन हो जाएगा, इकाई अंक नाइन। अगर दहाई अंक पूछता तो पाँच, सैकड़ा तो सात, समझ गए। अब देखिए दस पर पावर 295 का इकाई अंक क्या होगा, तो इसमें क्या करना है आपको, जीरो है। अब देखिए अगर आपको जीरो, एक, पाँच, छ रहे तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जीरो, एक, पाँच, छः रहे तब, जैसे इसमें जीरो है, जीरो है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इकाई अंक जीरो ही रहेगा। अगर एक रहे इकाई अंक, इकाई अंक एक रहे तो एक ही होगा, उस पर कितना ही पावर काहे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पाँच रहे इकाई अंक तो पाँच ही होगा, छः रहे तो छः ही होगा, इसलिए उस पर कितना ही पावर रहे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जीरो, एक, पाँच, छः रहे तो कोई चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा इस डिजिट को, अगर जीरो, एक, पाँच, छः रहे तो। अब देखिए तो देखिए इसमें है 10 पर पावर 295 का इकाई अंक क्या होगा, इसमें यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना है, जीरो है, तो जीरो ही आंसर होगा, जीरो आंसर होगा। अब देखिए 37 का पावर 5 का इकाई अंक पूछा है, तो 37 का पूछा, इसका देखिए क्वेश्चन का 37 का पाँच बारी है, पाँच बारी, दो चार पाँच बारी, जितना पावर उतना बड़ा गुना होता है। तो अब देखिए इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, इकाई अंक कितना है, सात है, तो इकाई अंक सात को सात से इकाई करिए गुना, तो 49, अब 49 का इकाई अंक कितना है, नौ, नौ को फिर इकाई अंक से गुना कीजिए, 9 7 63, 63 का फिर तीन आया इकाई अंक, तीन को फिर सात से गुना कीजिए, 21, इकाई अंक कितना आया, एक, तो एक को तीन से गुना कीजिए, एक को सात से गुना कीजिए, सात, तो इकाई अंक सात आंसर चलाया। ऐसे करके आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। चलिए देखिए आगे,
इस क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है, इसमें कथा इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए इकाई अंक 4 है, 7 है, 6 है, 5 है। तो देखिए 7 गुना 6 गुना 5 कितना था? 46। 46 इकाई अंक 2, 2 को कीजिए 5 से गुना, कितना? 10। 10 में इकाई अंक कितना है? 0। यही होगा आंसर, यही होगा आंसर। उसके बाद देखिए 11 का स्क्वायर का इकाई अंक, 11 कितना होता है? 121 में होता है 111 121 होता है 121 होता है। इसमें देखिए इकाई अंक कितना है? 1 है। जब भी रहे इकाई अंक 0 1 5 6 तो आप इकाई अंक जितना अगर रहे 0 0 1 5 6 तो वही होगा इकाई अंक, जितना उसका पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। जैसे देखिए 11 पावर क्यू है, इसका इकाई अंक कितना होगा? 1 ही होगा। इसीलिए चलिए आगे इसको गुना कीजिए, 11 का क्यू कितना होता है? और देखिए इकाई अंक होगा 1 ही होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 10 पर पावर 295 का इकाई अंक क्या होगा? 295 का इकाई अंक क्या होगा? देखिए शुरू में कितना है? 0। इकाई अंक कितना है? 0। तो 0 का मतलब हो गया 0 है, इकाई अंक 0 है। जब भी 0 1 5 6 रहे तो जितना भी पावर उसका रहे उससे मतलब नहीं है, जितना अगर रहे उतना हम उतार देंगे डायरेक्ट। इसका पावर कितना? 295 का कुछ भी रहे अनंत तक, इसका मतलब हो जाएगा जिस जो भी इकाई अंक 0 1 कुछ भी रहे इकाई अंक वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए संख्या दिया, इसमें कथा इकाई अंक क्या होगा? इसमें देखिए इकाई अंक क्या है? 1 है, तो 1 लिखिए गुना, कहा इकाई अंक कुछ भी रहे उसमें मतलब 1 है। 6 है, इकाई अंक 6 लिखिए, उसके बाद प्लस कितना है? 5 है, तो 5 लिखिए, कहा इकाई अंक 0 1 5 6 रहे जो है पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं वही उतरेगा। उसके बाद जोड़िए सबको, गुना कीजिए, 1 का अंक 6 पड़िए 6 प्लस 5 होता है 11। 11 का इकाई अंक कितना है? 1। इकाई अंक 1 तो हो जाएगा 1 आंसर, हो जाएगा 1 आंसर, समझ गए। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन, इसमें कहता है संख्या इतना दिया है, इसमें कहता है इकाई अंक क्या होगा? इसमें इकाई अंक क्या होगा? इसमें देखिए आपको करना है गुना रहे, इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक कितना है? इसमें 7 है, तो 7 लीजिए गुना। उसके बाद देखिए 874 के पावर 346 है, 346 है, इसमें 4 है, 4 है, तो 4 में क्या होगा? इसमें इकाई अंक उतरेगा नहीं, इसमें क्या है? 0 और 1 5 6 नहीं है, तब करेंगे क्या? अंत में जितना भी डिजिट रहे उसमें आप 4 से भाग दीजिए, दो डिजिट लीजिए उसमें 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा तो 46 में 4 से भाग दीजिए, 46 में 4 से भाग दीजिए 1 6 1, शेष 2 बचा, शेष 2, जो शेष बचेगा वो इकाई अंक उतारिए, जो शेष बचा उसको पावर कर दीजिए। अगर पूरा कट जाए जिससे आप भाग लगाए हैं अगर पूरा कट जाए जिससे आप भाग वही पावर चलाएगा, इकाई अंक 4 है और जिससे भाग लगाते हैं अगर पूरा कट जाता है तो 4 ही पावर चलाएगा, पावर उतना ही चलाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद गुना है, गुना के बाद इकाई अंक कितना है? 6 है, इकाई अंक जब 6 है तो अब देखिए गुना कीजिए टोटल को, 7 × 4 पावर स्क्वायर तो होगा 16 और 6, अब देखिए गुना कीजिए इकाई अंक कितना है, तो 7 और 6 × 42 42 आया। अब इकाई अंक 2 है, 2 को 6 से गुना कीजिए कितना आया? 12। इकाई अंक कितना है? 2। इकाई अंक 2 आ गया, इकाई अंक 2 आ गया। चलिए आगे देखिए आगे क्वेश्चन, जैसे देखिए इकाई अंक, तो इकाई अंक इसमें कितना है? 7 है, तो 7 लीजिए इकाई अंक, उसके बाद इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए। अगर 0 1 5 6 अगर नहीं रहे तब देखिए कोई भी अंक दूसरा आ जाए तब देखिए कैसे आप निकालना, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा कितना बड़ी बात है, 4 दुना 8 देखिए 93 में 4 से भाग दीजिए
दो बारी आठ, चार तिया बारह, चार तिया बारह, शेष आया एक, शेष आया एक, तो एक लिख दीजिए पावर, पावर पर लिख दीजिए एक शेष आया, उसके बाद प्लस है, प्लस कितना है इकाई अंक, तीन है इकाई अंक, 48 में चार से भाग दीजिए तो क्या बन, कट जाता है, पूरे कट जाता है, शेष कुछ भी नहीं आता, जब पूरे कट जाए तो चार ही दे दीजिए, चार जो इकाई अंक उतारे हैं वो लिख दीजिए, उसके बाद चार से भाग दिए, कट गया पूरे, चार उतार दीजिए। उसके बाद गुना है, इकाई अंक पाँच है, तो पाँच अगर है तो इकाई कुछ भी उसके पावर रहे, कुछ भी रहे पाँच ही आएगा। उसके बाद सात को गुना, उसके बाद सात को पावर एक तो सात होता है, उसके बाद प्लस तीन पर पावर चार है, तो तीन गुने चार, तीन गुने तीन गुने चार बारी होगा, चार बारी हो जाएगा, तो तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस तिया, सत्ताईस तिया कितना होता है, इक्कीस छः एक छः, छः दो आठ, इक्यासी हो जाता है, हो जाता है इक्यासी, तो इक्यासी लिखिए और गुने पाँच। अब देखिए इकाई अंक, तो प्लस गुना, पहले गुना कम होता है, पहले गुना का होता है, तो गुना का इकाई अंक कितना है, एक गुने पाँच, एक गुने पाँच हो जाएगा पाँच, ठीक इकाई अंक है। उसका पाँच को और सात को जोड़ लीजिए कितना होता है, बारह, बारह, तो इकाई अंक कितना है, दो, इकाई अंक दो है, हो गया आंसर। चलिए आगे देखिए, छप्पन के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, छप्पन का वर्ग, तो छप्पन के वर्ग का इकाई अंक, छप्पन को वर्ग कीजिए, छप्पन को वर्ग कीजिए, तो छप्पन के छप्पन बारी, छप्पन को छप्पन बारी, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना है, छः है, इकाई अंक छः है, तो देखिए छः दब रहे इकाई अंक तो वर्ग है, जब छः है इकाई अंक तो छः ही होगा, उस पर पावर कुछ भी रहे, क्यू रहे, फोर रहे, एक सौ छब्बीस रहे, एक सौ तेईस रहे, कुछ भी रहे, तो हो जाएगा छः आंसर, इकाई अंक हो जाएगा छः, ठीक है। चलिए आगे, इकाई अंक क्या होगा, संख्या इतना में इकाई अंक क्या होगा, अब देखिए इस क्वेश्चन में इकाई अंक, इकाई अंक सात है, इकाई अंक तीन है, इकाई अंक पाँच है, तो देखिए इकाई अंक सात है, तो सात जब है तो आपको क्या करना है, चार से भाग दीजिए, चार से भाग दीजिए, सात लिख दीजिए, तो चार दूना आठ, एक चार चार बारह, बारह एक तेरह, एक बचता है शेष, एक बचता है शेष, एक बचता है, उसके बाद देखिए प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ तीन है, इकाई अंक तीन है, तो तीन लीजिए, उसके बाद देखिए चार से यहाँ भाग दीजिए, एक कम चार, चार दूना आठ, कट जाता, इसका मतलब चार का पावर, तीन का पावर चार हो जाएगा, तीन का पावर चार हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है, इसमें कथा इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक कितना है, चार है, चार है, 102 है, 102 को आप चार से भाग दीजिए, तो होता चार दूना आठ, आठ हो जाता है बचा दो, चार से बीस, शेष बच जाता है दो, शेष दो बच जाता है, तो शेष दो को ऊपर लिख दीजिए चार के पावर पर। उसके बाद प्लस इकाई अंक चार है, चार से यहाँ भी भाग दीजिए, चार दूना आठ, आठ दो, चार पच्चीस बीस, तीन बचता है शेष, तीन लिख दीजिए पावर में। उसके बाद देखिए चार का स्क्वायर कितना होता है, सोलह होता है, और चार का क्यूब कितना होता है, तो होता है चार का क्यूब हो जाता है चौंसठ हो जाता है, चौंसठ, तो इकाई अंक, इकाई अंक छः है, इकाई अंक चार है, जोड़ लीजिए दस, उसको इकाई अंक क्या आ गया, जीरो, इकाई अंक जीरो, इकाई अंक कितना आ गया, जीरो, यही होगा आंसर। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन में इकाई अंक क्या पूछा है, इसमें देखिए इकाई अंक देखिए एक है, पावर कुछ भी रहे एक ही हो जाएगा, गुना इकाई अंक एक है, पावर कुछ भी रहे एक हो जाएगा, गुना कीजिए एक को एक, एक इकाई अंक कितना है, एक है, इकाई अंक एक है। चलिए आगे देखिए इस क्वेश्चन में
संख्याओं में इकाई अंक क्या होगा, संख्या दिया हुआ है चाहे इकाई अंक पूछा है, तो इसमें आपको करना देखिए, आप कीजिए चार से भाग दीजिए, चार से भाग दीजिएगा, दो अंक लीजिए आप, दो अंक लीजिएगा भाग देने के लिए, दो अंक लीजिए आप भाग देने के लिए, इसमें करिएगा सात लिख लीजिए, उसके बाद देखिए भाग दीजिए चार से तो दो शेष बच जाता है तो दो लिख दीजिए, उसके बाद प्लस फाइव है, फाइव पर कुछ भी रहे तो फाइव हो जाता है, प्लस दो रहे दो है इकाई अंक दो लिखिए, उसके बाद चार से भाग दीजिए, चार से भाग दीजिए तो नौ चार से चार दोनों आठ, एक बच जाता है शेष, उसके बाद देखिए सात का स्क्वायर 49 हो जाता है, प्लस फाइव और दो का पावर एक तो दो, उसका इकाई अंक देखिए कितना है, तीन नौ पाँच कितना 14 है, 14 और दो कितना था, 14 और दो के 16 इकाई अंक 16, उसके बाद देखिए इसमें इकाई अंक कितना है 6 है, यही हो जाएगा आंसर, इकाई अंक 6 है, इकाई अंक जोड़ लीजिए टोटल को, 9 है इकाई अंक, 9 है 5 है 2 है जोड़िए, उसके बाद इकाई अंक कितना था 6, समझ गए। चलिए आगे देखिए, संख्या दिया हुआ इसमें कहता है इकाई अंक क्या होगा, इसमें कहता है इकाई अंक क्या होगा, 8 है, 8 को आप लिखिए, उसके बाद दो संख्या 4 से भाग दे, 4 या 12 एक बच्चा था शेष, तो एक को लिखिए पावर में गुणा कीजिए, 7 है 7 लिखिए, उसके बाद भाग दीजिए 4 से 3 बच जाता है शेष, 3 दीजिए पावर, उसके बाद गुणा, यहाँ 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ देखिए 4 से भाग नहीं लगेगा तो आप पूरे लगाइए 4 से, तो 1802 को 4 से भाग दीजिएगा, 4 तीया बा 4 16 तो 2 4 5 20 2 शेष कितना बचा, 2 बचा, शेष बच गया 2, तो देखिए जब शेष 2 बचा तो लिख दीजिए आप 2 का पावर 2, उसके बाद देखिए 8 का पावर 1 तो 8 गुने 7 का क्यूब तो 49, और 49 को 3 से 9 27 नहीं 7 को 7 बारी पढ़िएगा तो 49 होता है, 49 को 7 बारी 9 सती 63 6 28 28 दो 30 34 343 होता है, 343 गुना 2 पावर 4 4 हो जाएगा, उसके इकाई अंक कितना है 8 3 आठतिया 24 इकाई अंक 4 तो 4 तिया 4 चौक 16 इकाई अंक कितना 4 आया, इकाई अंक 16 आया, इकाई अंक 6 आया, 8 को 3 से गुना के 24 उसमें फिर इकाई अंक 4 है, उधर 4 से गुना किए 16 16 में इकाई अंक कितना 6 है, समझ गए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में संख्या में इकाई अंक क्या होगा, संख्या दिया हुआ है इकाई अंक पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना, इकाई अंक कितना है 6 है, 6 लिखिए, 6 कहे लिखिएगा, इकाई अंक पूछा 6 तो 056 रहे, इकाई अंक 6 ही होता है, 6 को 8 से गुणा कीजिए कितना होता है, 8 + 8 = 24 + 32 = 48 हो जाता है, 48 हो गया 48, उसमें का इसमें इकाई अंक कितना 8 हो गया, 8 को आप 2 से गुना कीजिए, इकाई अंक 2 है 16 इकाई अंक 6, इकाई अंक कितना आया 6 चलाया, उसके बाद देखिए 8 × 5 = 40 इकाई अंक 0, 0 को 4 से गुना कीजिए 0, 0 को 2 से गुना कीजिए 0, इकाई अंक 0, इकाई अंक कितना आया 0, 8 से 5 को गुना किए 8 × 5 = 40, 40 में इकाई अंक 0, उसके बाद 0 को 4 से गुना कीजिएगा इकाई अंक 0 है, 0 हो जाता है, इसलिए फिर 0 से गुना कीजिएगा 2 में 0, समझ गए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखिए इकाई अंक, इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक ये है 5 है, तो 0 5 और 6 0
एक पाँच छः रहे तो इकाई अंक उतना ही रहता है, तो पाँच है तो पाँच, सात है तो चार से भाग दीजिए, दो अंक लीजिए लास्ट के दो अंक, सात उसके बाद देखिए चार पाँच बीस, कितना शेष बचता है तीन, तीन को पावर कर दीजिए प्लस, कितना है चार है इकाई अंक, तो चार लीजिए, उसके बाद दो अंक चार से भाग दीजिए, चार दूना आठ बाकी एक आ उन्नीस, चार चौक सोलह सोलह आ सोलह आ तीन, तीन बता शेष तो तीन लिख दीजिए। अब देखिए पाँच प्लस सात का क्यू, सात का क्यू कितना होता है, सात का क्यू कितना होता है उनचास, उनचास को सात से पढ़िएगा, नौ सती तिरसठ को तीन बाकी छः अट्ठाईस दू तीस चौंतीस, तीन सौ तैतालीस, तीन सौ तैतालीस होता है। और चार का क्यू कितना होता है चौंसठ, चार का क्यू होता है चौंसठ, चौंसठ। अब देखिए इकाई अंक पाँच है, पाँच और तीन आठ, आठ और चार बारह, बारह में इकाई अंक कौन है दो, इकाई अंक दो। एकदम बेसिक से है, आपको एकदम क्वेश्चन दिमाग में डायरेक्ट घुसेगा, दिमाग में, समझ गए। चलिए